खबर में लीजिए, सीएम भूपेश बघेल का एक बयान सामने आया है। रमन सिंह के राज्यपाल बनने की संभावनाओं पर भूपेश बघेल ने कहा है, केंद्रीय नेतृत्व रमन सिंह को लगातार पीछे धकेल रहा है, नए लोगों को सामने ला रहा है। रमन सिंह का यही रहना हमारे लिए लाभदायक है, राजनीतिक भविष्य के लिए राज्यपाल बन जाना चाहिए, लेकिन रमन सिंह यहां रहेंगे तभी कांग्रेस को लाभ होगा। तो तंज कसा है, एक तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रमन सिंह पर, राजनीतिक भविष्य के लिए वो चाहे तो राज्यपाल बन जाए लेकिन रमन सिंह अगर यहां रहेंगे तो कांग्रेस को इसका लाभ मिलेगा। केंद्रीय उन लोगों जो व्यवस्था है, भोपाल से रायपुर आने में थोड़ा सा उनको समय लगता है, नागपुर में ज्यादा कंट्रोल करेंगे कि रोज आना जाना उनका लगा रहता है, वो राजस्व के हिसाब से नहीं है, वो छापे के हिसाब से पुनर्गठन जो है। तो सीएम भूपेश बघेल का एक बयान सामने आया, हालांकि उन्होंने कुछ और बयान यहां दिया है, हम वो भी सुनवाएंगे जो रमन सिंह को लेकर उन्होंने कहा है कि केंद्रीय नेतृत्व रमन सिंह को लगातार पीछे धकेल रहा है, नए लोगों को सामने ला रहा है, और शायद ये एक पॉलिटिकल स्टंट भी हो सकता है, गुगली भी हो सकती है, क्योंकि भूपेश बघेल इसमें माहिर है। तो 15 साल सीएम रहे हैं रमन सिंह और अब सत्ता में बीजेपी नहीं है, तो लगातार उनका निशाना जो है भूपेश बघेल का वो रमन सिंह पर रहता है। बीजेपी के बड़े नेताओं को भी वो राजनीतिक कटाक्ष करते हैं, लेकिन फिलहाल रमन सिंह को लेकर एक बड़ा बयान। रमन सिंह को लगातार पीछे धकेल कर नए लोगों को सामने ला रहा है। कुलेश्वर पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। कुलेश्वर, रमन सिंह के राज्यपाल बनने की संभावना पर उन्होंने कहा है कि बन जाए तो अच्छी बात है, जब तक वो छत्तीसगढ़ में रहेंगे तब तक कांग्रेस को ही फायदा है। देखिए, जिस तरह से लगातार कयास लगाया जा रहा है कि रमन सिंह को जो है राज्यपाल राज्य का बना सकते हैं, जब ये सवाल जब सीएम भूपेश बघेल से किया गया तो उनका साफ तौर पर कहना था कि रमन सिंह छत्तीसगढ़ में रहे उससे कांग्रेस को लाभ है, क्योंकि राष्ट्रनीति तो लगातार रमन सिंह को पीछे ढकेलने का काम कर रहा है, उनके जितने नेता है वो उनको पीछे ढकेलने का काम कर रहे हैं और नए लोगों को सामने लाया जा रहा है। लेकिन सीएम ने यह भी कहा कि अगर हमारे दृष्टिकोण से बात की तो रमन सिंह को छत्तीसगढ़ में रहने से ही कांग्रेस को लाभ है, लेकिन सीएम ने यह भी कहा कि अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो निश्चित तौर पर अपने राजनीतिक करियर को खतरित करके रमन सिंह को राज्यपाल बन जाना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से सीएम का बयान है, उनका साफ तौर पर कहना था कि रमन सिंह रहे तो कांग्रेस का लाभ है, निश्चित तौर पर हम लगातार देखते आए हैं कि रमन सिंह और सीएम के बीच जो लगातार चाहे ट्विटर वार हो चाहे बयानबाजी हो लगातार होते हुए नजर आए हैं। लेकिन अब जो बातें सामने आ रही है, जिस तरह से रमन सिंह को कल दिल्ली बुलाया गया, अब बात यह सामने आ रही है कि उनको राज्यपाल बना सकता है, लेकिन साफ तौर पर सीएम ने कहा है कि राजनीतिक दृष्टिकोण से उनको राज्यपाल बन जाना चाहिए लेकिन छत्तीसगढ़ में ही रहे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में रमन सिंह जब तक रहेंगे तब तक कांग्रेस को लाभ है। वो लाभ कैसे है वो तो कांग्रेस पार्टी जाने, लेकिन कहीं ना कहीं सीएम भूपेश बघेल ने यह बयान सामने आया है जी। बाकी और इस बयान के भी कई मायने निकाले जाएंगे, क्योंकि सत्ता और जब आप विपक्ष में बात करते हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपके सामने निशाने पर कौन है। कुलेश्वर जी, बिल्कुल, क्योंकि अगर हम बात करें तो 15 साल सत्ता में डॉक्टर रमन सिंह रहे हैं, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस सरकार बड़ी बहुमत के साथ है, क्योंकि 15 साल रहने के बाद ही बीजेपी सिर्फ 14 सीट में सिमट के रह गई और निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी को 3/4 बहुमत के साथ यहाँ पे छत्तीसगढ़ की जनता ने चुन के रखा, 71 सीट के साथ आज कांग्रेस पार्टी सत्ता में है। तो कहीं ना कहीं जो रमन सिंह ने काम किया था उसको जनता ने नकार दिया, इस कारण से शायद सीएम भूपेश बघेल का बयान हो सकता है कि रमन सिंह अभी भी रहे क्योंकि जनता ने तो बीजेपी को नकार दिया है और लगातार ये बातें सामने आई है कि अब रमन सिंह के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर रमन सिंह अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ की राजनीति में अगर रहते हैं तो निश्चित तौर पर लाभ कांग्रेस को होगा, क्योंकि अभी भी बीजेपी का कहीं ना कहीं सीएम फेस रमन सिंह को लगातार बीजेपी के नेता कहते हुए आए हैं, लेकिन सीएम ने यह कहा है कि उनके रहने से लाभ होगा निश्चित तौर पे। अब इस बयान के मायने क्या है ये तो अलग अलग बात है, हालांकि बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया आएगी तभी स्पष्ट होगा, लेकिन सीएम ने साफ कह दिया है कि रमन सिंह की बात से साफ लगता है कि वो कहीं ना कहीं उनकी भी मंशा है कि बीजेपी उनको पीछे धकेले, क्योंकि स्वाभाविक बात है अपने प्रतिद्वंदी को चाहता है हर कोई कि वो ज्यादा फॉर्म में न रहे। आप बने रहिए कुलेश्वर हमारे साथ।